खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस में लोकसभा क्षेत्र हाथरस के लिए गरीब ई रिक्शा चालक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। इस दौरान युवा समाज सेवी पंकज धवरैया अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल माहौर है। आज आपने नामांकन किया, किन मुद्दों के लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने नामांकन इस मुद्दे पर किया है कि मेरे यहाँ सारे लोग भारी हैं और मैं नोकल हूँ, और कि अगर हमारे यहाँ भारी अगर प्रत्याशी आता है तो वो जीत करके चला जाता है। 25-25 करोड़ में सीट लेकर के आते हैं, वो अपनी जेब भर के चले जाते हैं यहाँ से। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, हाथरस का हूँ, और मैं इनकी समस्याओं को समझ सकता हूँ। नाली की है, बिजली की है, सड़क की है, इन परेशानियों को मैं समझ सकता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि क्षेत्र बाहरी प्रत्याशियों से बहुत तंग आ चुका था, परेशान आ चुका था। यहाँ की मूलभूत समस्याएं सड़क, नाली, अस्पताल, तालाब, मतलब ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जिसके लिए धरना नहीं देना पड़ता, जिसके लिए ज्ञापन नहीं देने पड़ते। लेकिन मैं लगभग 8 साल से क्षेत्र की समस्याओं के लिए निराकार रूप से लड़ रहा हूँ, जेल भी गया हूँ, मुकदमे भी झेले हैं। तब मैंने इस अवसर को देखा कि वाकई में मेरी जनता को फिर ठग लिया गया है, बाहरी प्रत्याशियों को पैराशूट से लाकर फिर खड़ा कर दिया गया। तब मैंने 1000 लोगों की पंचायत की, जिसके माध्यम से हमने चंदा एकत्रित किया और एक गरीब टिर्री माहौर वाले प्रत्याशी को हमने खड़ा किया है जो लोकल का है। और हाथरस का लोकल चैनल TV30 India उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्क को एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV30 India का Android app एवं जुड़े रहें TV30 India के साथ।